तो अभी सबसे पहले तो नियोप्रीन, ये पहले तो हम उसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं नियोप्रीन का। तो जैसे व्हाट इज द क्लोरोप्रीन, जैसे यहाँ पे कौन था आइसोप्रीन में CH3, अब यहाँ का CH3 निकाल के वहां पे कौन लगा दिया, सिर्फ Cl, तो हो गया क्लोरोप्रीन। एंड दिस क्लोरोप्रीन ऑन पॉलीमराइजेशन, यू नो हाउ इट अंडरगो द पॉलीमराइजेशन। तो ये दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CCl, हियर इट इज CH डबल बॉन्ड CH2। एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं तो इट अंडर गो होमोलिटिक फिशन, इट फॉर्म CH2 फ्री रेडिकल, Cl यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH यहाँ पे फ्री रेडिकल, एंड दिस इज बॉन्ड CH2 यहाँ पे फ्री रेडिकल। ये एक मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, दूसरा भी, तो ये अंदर के एक एक अनपिट इधर शेयर कर लेते तब भी ये टर्मिनल बाकी है। ये Cl ये इन्होंने शेयर किया, ये H हियर आल्सो CH2, ये फिर ये अनपेड इधर शेयर करेंगे। तो ऐसे कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है, दिस दैट CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2, दिस यूनिट विल रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स, आगे भी ये जाएगा, एंड इट विल फॉर्म द पॉली क्लोरोप्रीन, मेनी क्लोरोप्रीन, तो जिसको हम बाई एंड लगा देते हैं, दिस इज द पॉली क्लोरोप्रीन, एंड दिस पॉली क्लोरोप्रीन, दिस पॉली क्लोरोप्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड नियोप्रीन। तो फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन एंड इट्स वल्कनाइजेशन अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले नियोप्रीन कैसे बना, जो आइसोप्रीन था, जो कौन था बेटा, आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन में का क्या निकाला, CH3, और आइसोप्रीन में का CH3 निकाल के वहां पे क्या लगाया, Cl, तो हो गया क्लोरोप्रीन। और भी जिस तरह उसका पॉलीमराइजेशन हुआ उसी तरह इसका भी पॉलीमराइजेशन होगा, और इट फॉर्म्स द पॉली क्लोरोप्रीन, एंड दिस पॉली क्लोरोप्रीन इज नथिंग बट नियोप्रीन, दिस पॉली क्लोरोप्रीन इज नथिंग बट नियोप्रीन। वल्कनाइजेशन वी सी हियर, फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन अभी हमने देखा है, एंड इन दैट फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रीन वी हैव सीन, अभी हम देखेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। तो लिसन, हाउ इज द वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, तो नियोप्रीन की हम जो दो चेन है वो दो चेन को यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो आपको वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन समझ आएगा। तो लिसन, आई टेक हियर द टू नियोप्रीन चेन, अभी बताओ पॉलीक्लोरोप्रीन कैसा था, CCl, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2, फिर से यहाँ पे भी कौन था CH2, ये इधर पॉलीमराइज होगा, ये एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट फिर से CH2 CCl डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2, ये दूसरा यूनिट, दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट हो गए। अब ये हो गया क्लोरोप्रीन, ये हो गया क्लोरोप्रीन, तो ये हो गया डाइक्लोरोप्रीन, तीन लगा ट्राइक्लोरोप्रीन, चार लगा टेट्राक्लोरोप्रीन। आई कंसीडर अगेन वन मोर मॉलिक्यूल, यू ऑल हैव टू ड्रॉ दिस, हियर अगेन Cl डबल बॉन्ड CH, हियर CH2, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ये CH2 CCl डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2। इसकी रिएक्शन हम करेंगे अभी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ उसको ट्रीट किया, तो देयर इज रिमोन ऑफ MgCl2, देयर इज रिमोन ऑफ MgCl2, एंड आफ्टर द रिमोन ऑफ दिस MgCl2 यहां से रिमूव हो जाएंगे, ये ऐसे जुट जाएंगे, वो पॉलीमराइजेशन उधर होते रहेगा, ठीक है। तो ये जुड़ने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा CH2C डबल बॉन्ड CH, हियर अगेन CH2, इज इट, ये एक यूनिट हो गया, यहां से ये ऑक्सीजन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव डाई नेगेटिव,
So this negative will combine with this, this negative will combine with this, and there is removal of FgCl. तो ये ऑक्सीजन लगेगा अभी इधर, यहाँ पे भी ये एक यूनिट हो गया, फिर दूसरा यूनिट CH2 C double bond CH CH2, दिस इज द सेकंड यूनिट, ये इधर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे भी लगेगा वो, फिर नीचे दिस इज व्हाट C double bond CH here CH2, ये CH हो गया, फिर यहाँ पे CH2 here, ये एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट CH2 CO double bond CH, and this is CH2 and so on. This is the vulcanized neoprene rubber. This is the viscous rayon. You ready? Now this viscous rayon भी हम अभी पढ़ेंगे और ये बढ़िया है, ठीक है. You know very well about the cellulose. You know cellulose. If you know the cellulose, cellulose के अंदर क्या रहता है? Cellulose is nothing but the polyhydride. Polymer of beta D plus glucopyranose. Do you know this thing? When the large number of molecules of beta D plus glucopyranose combine with each other by 1,4 beta beta glycosidic linkage, then it forms the cellulose. And in this cellulose there are the बीज ग्रुप. सेलुलोज में अगर हम देखेंगे तो सेलुलोज में जो बेंजीन रिंग है तो इसको ऐसे बहुत सारे क्या लगे रहते हैं, OH, कार्बन को बहुत सारे क्या लगे हैं, OH, सेलुलोज. इन डू यू नो बेंजीन रिंग के अंदर भी चार या तीन OH रहते हैं, तो सेलुलोज के अंदर OH रहते हैं और ये जो बेस है NaOH, तो सेलुलोज ये जो उसके अंदर बहुत सारे OH होने की वजह से वी रिप्रेजेंट इट बाय सेल, मतलब सेलुलोज और उसके अंदर के OH, एंड देन वी ट्रीट इट विद द बेस लाइक NaOH. तो यहाँ पे अगर हमने OH बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो दिस कैन O कैरी नेगेटिव एंड H कैरी पॉजिटिव, एंड दिस O नेगेटिव कैन कंबाइन विद NaOH डिसोसिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. O नेगेटिव कंबाइन विद Na पॉजिटिव तो यू गेट सेलुलोज सोडियम सॉल्ट, and there is removal of H2O. This is the alkali cellulose. किसी को कौन सा cellulose कहेंगे? Alkali cellulose. So how there is formation of this alkali cellulose? First do you understand? Now this alkali cellulose is treated with CS2, carbon disulfide. So just before we have seen, this is cellulose O negative and Na positive. Is it? This is alkali cellulose and we treat it with CS2, that is carbon disulfide. This O negative is electron rich, attack at electron deficient center, that is sulfur carbon. Carbon pe attack karne ki wajah se pi bond will open and pi bond will open on sulfur, and sulfur will carry which charge? Negative charge. And this S negative combined with Na positive. So what we will get? Cellulose O. Then carbon double bond S, this S negative and Na positive. Do you understand? You get this. This is called cellulose xanthate. Cellulose xanthate. ये लिख लेना आपने. वो वाली मत लिखना. ये वाली लिखना अभी. ठीक है? पहली चलेंगी वो लिखी तो. ठीक है? दूसरी ये लिखना. नहीं समझेंगे वो. ठीक है? तो this is the cellulose xanthates. Xanthate. ठीक है, दिस इज द सेलुलोज xanthate. समझ गए? अब ये जो सेलुलोज xanthate है इसका हाइड्रोलिसिस होगा. दिस सेलुलोज xanthate विल अंडरगो फर्दर हाइड्रोलिसिस बाय एडिशन ऑफ वाटर. वाटर डिसोसिएट टू फॉर्म एच पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव. वाटर डिसोसिएट टू फॉर्म एच पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव. And as this water dissociates to form H positive and OH negative, so this OH positive combined with this S negative and Na positive combined with this OH negative. So what we get? Cellulose. This is O. This is C double bond S. And this is what? S. Or S ko kon lagega? S negative combined with H. Plus there is removal of again
NaOH. ठीक है, देयर इज रिमूवल ऑफ दिस NaOH एंड दिस अगेन अंडरगो फर्दर हाइड्रोलिसिस. इसके अंदर फिर से पानी डाला, आफ्टर द फर्दर हाइड्रोलिसिस इट अगेन डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. दिस H पॉजिटिव अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनेट इट्स लोन पेयर टू द हाइड्रोजन एंड एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर फ्रॉम कार्बन. वहां पे बन जाएगा सेल्यूलोज OH प्लस, यहां से इस यहां पे बचा C पॉजिटिव कंबाइन विद OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव यहां पे C पॉजिटिव बचा है और ये S पे नेगेटिव, ये H पे पॉजिटिव. तो दिस H पॉजिटिव यहां का OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा H2O and this C positive, this C negative combined to form CS2 regenerated cellulose. ठीक है, cellulose ही है लेकिन उसके ऊपर क्या करी treatment, पहले उसके अंदर डाला NaOH, उसने बनाया cellulose, alkali cellulose. ठीक है, फिर alkali cellulose में से पास की CS2 gas, carbon disulfide gas, देन उसने बनाया सेलुलोज xanthate, फिर सेलुलोज xanthate के अंदर पानी डाला, आफ्टर एडिंग वाटर उसने कंपाउंड बनाया और फिर उस कंपाउंड के अंदर फिर से पानी डाला तो फिर उसने CS2 भी बाहर निकाल दिया, पानी भी बाहर निकाल दिया, फिर से क्या बन गया सेलुलोज. तो इस तरह की प्रोसेस उसके ऊपर करने के बाद जो सेलुलोज नया रीजनरेटेड सेलुलोज जो रहेगा इसको सेमी सिंथेटिक भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो रहेगा दिस इज कॉल्ड अ विस्कस रेयॉन. तो विस्कस रेयॉन इज नथिंग बट सेलुलोज लेकिन प्रोसेस किया हुआ सेलुलोज, प्योर सेलुलोज नहीं. ठीक है, प्रोसेस किया हुआ जो सेलुलोज है दैट इज कॉल्ड विस्कस रेयॉन. द प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कस रेयॉन, इट इज सेमी सिंथेटिक. व्हाई सेमी सिंथेटिक, बिकॉज नेचुरली सेलुलोज इज नेचुरल एंड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सम केमिकल्स ऑन द नेचुरल पॉलीमर वी गेट द regenerated, we can say, या जो नया फिर से regenerate हो गया ना cellulose, change होके फिर से regenerate हो गया, regenerated. तो natural के ऊपर chemicals का attack करके हमें वो मिला है, so it is the semi-synthetic fiber, fiber, polymer तो है, साथ में वो fiber है, because मतलब fiber की क्या property थी, वो strong रहते थे, ठीक है, उसके बाद वो thread जैसे रहते हैं, so these are called fibers. Secondly, which is regenerated cellulose. By regenerated, do you understand? पहले cellulose था, chemical की action करी, फिर से क्या बना? Cellulose. So it is regenerated cellulose. Cellulose in the form of wood pulp is transferred into viscous rayon. Wood pulp, wood से मिलने वाला जो cellulose है, उसका conversion पहले किसके किसके साथ treat करना है? चलो बताओ. Cellulose is treated with first NaOH, then CS2, then water. You get again cellulose. That cellulose is a viscous rayon. Because linear polymer of glucose unit, you know, cellulose is a polymer of glucose. What's the glucose? Beta D plus glucopyranose. So glucose unit and has the molecular formula. So jo bhi starch ka molecule, isse ek water nikalta na, idhar se bhi nikalta hai, idhar se bhi nikalta hai. So ek glucose ke molecule ka idhar se H nikla aur idhar se OH. So there is removal of one H2. और ग्लूकोज में से अगर हम H2O निकाल देंगे तो आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम द ग्लूकोज दिस इज C6H12O6. H2O निकाला, क्या बचा? C6H10O5 बाय N. सो दिस विल बी द फार्मूला फॉर सेलुलोज, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. सो दिस इज अबाउट द बीच रेयॉन, विस्कस रेयॉन एंड दिस आर द, दिस इज व्हाट विस्कस रेयॉन लुक्स लाइक दैट. ठीक है, तो दिस इज द विस्कस रेयॉन, इट इज नथिंग बट द रीजनरेटेड सेलुलोज. तो वी हैव सीन the viscous rayon in detail, we have seen its preparation of viscous rayon and its polymer is nylon 2 nylon 6. अब nylon 2 nylon 6 में क्या है, nylon मतलब आपको पता है polyamide है, linear bond है, तो ये दो से बनेगा nylon 2 nylon 6, दो इसमें रहेंगे, एक रहेगा epsilon amino caproic acid and second will be ethylene glycol. ठीक है, it is the टू अमीनो एसिड का ये ग्लाइसिन एंड अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड. तो डोंट वरी,
अल्फा अमीनो कैप्रिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल का ये पॉलीमर है। तो यहाँ पे ग्लाइसिन आपको बताया, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसके बाद कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे NH2, that NH2 is written in this way, this is what glycine, and here epsilon amino, alpha amino नहीं epsilon ही amino रहेगा। caproic acid में total कितने carbon है, 6 में से मैंने अभी लिख दिए है 5, तो ये हो गया C double bond O OH। कार्बोनिल के बाजू का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये चार में आगे डेल्टा तक, और ये हो गया डेल्टा के बाद एप्सिलॉन, तो दिस इज एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। एंड यू नो नाइट्रोजन की लोन पेयर कार्बोनिल पे अटैक करेगी, देयर इज रिमोल ऑफ ओएच एंड देयर इज रिमोल ऑफ एच, सो देयर इज रिमोल ऑफ H2O, एंड आफ्टर देयर इज रिमोल ऑफ H2O वहां पे क्या बनेगा, देखो सेम इज द कंडीशन, उधर से कोई आएगा यहां से वो H निकाल लेगा, इधर से कोई आएगा वो H निकाल लेगा, सो हियर व्हाट वी गेट, दिस इज NH, एंड NH को यहां पे लगा है CH2, CH2 को लगा है C डबल बॉन्ड O, NH में से H चला गया, फिर बचा NH, फिर उसको लगा CH2, CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O, फिर उसको फिर से लगा NH, और फिर इसको CH2 कितने लगे टोटल 5, और इसको लगा C डबल बॉन्ड O, फिर इसको फिर से कौन लगेगा, C डबल बॉन्ड O को कौन लगेगा, NH, तो इट इज आल्सो पॉलीअमाइड पॉलीमर, पॉलीअमाइड पॉलीमर और लीनियर पॉलीमर है। हियर वहां पे 6-6 कार्बन के बाद NH रिपीट होता था, यहाँ पे इधर कितने कार्बन के बाद रिपीट हुआ, 2, और यहाँ पे अभी कितने कार्बन के बाद रिपीट होगा, 6, सो इसने इसका नाम रखा 2 कार्बन के बाद रिपीट होगा और 6 कार्बन के बाद रिपीट होगा, सो इट्स नेम इज नायलॉन 2 नायलॉन 6, सो नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज द ग्लाइसिन एंड अल्फा अमीनो एप्सिलॉन अमीनो सॉरी एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड इज इट, एंड बाय द नेम इज नायलॉन 2 नायलॉन 6, डू यू अंडरस्टैंड, इट इज द को पॉलीमर, इट इज द हेटेरो पॉलीमर, इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर, इट इज द पॉलीअमाइड पॉलीमर, इट इज द सिंथेटिक पॉलीमर, इट इज द लीनियर पॉलीमर एंड इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर, डू यू अंडरस्टैंड, so this is about the nylon 2 nylon 6